वेलकम टू बीएससी एकेडमी। ये हम लोग जो इस सेशन में 100% सीरीज का पजल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, ये जो है ना वो नॉर्थ फेसिंग का सिटिंग इन ए रो, नॉर्थ फेसिंग सिटिंग इन ए रो कितना परसेंट? 7%। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जी इज नॉट एन एडिटर, जी जो है ना वो एडिटर नहीं है, बट सिट्स आफ्टर द पर्सन हु इमीडिएटली फॉलोज एज, एज को जो फॉलो करता है वो जी उसको फॉलो करते हैं। डी इज ए प्रोफेसर, द वन हु इज एन एग्जीक्यूटिव सिट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आ जाएगा। बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लर्क सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एडिटर, क्लर्क जो है वो एडिटर की इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हैं, इमीडिएट एडिटर की इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हैं, ठीक है। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, सी जो है ना इमीडिएट राइट ऑफ आई, और सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। एंड से आप एंड जो एंड लिखा हुआ ना उसको सी को डिनोट करेंगे, डिनोट किया है, ठीक है। एच एच इज द एच इज फिट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो एच कहाँ पे आएगा? एच यहाँ पे आएगा, इसमें भी कहाँ पे आएगा? कितना परसेंट है? 7। यहाँ पे कितना दिया? 7। एच कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, फिफ्थ बोला है ना, नहीं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, ठीक है। He is in CA, एज जो है ना वो CA है। The director is third from the left hand, डायरेक्टर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे डायरेक्टर आएगा। तो ये है हमारा कंडीशन, ठीक है। अब क्या बोला, क्लार्क जो है ना वो एडिटर के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो ये सिर्फ स्पेस बचा हुआ है क्लार्क और एडिटर का, ठीक है, ये स्पेस है और तो जगह नहीं है कहाँ पे, कहीं पे भी, क्योंकि दोनों एक साथ में आएगा तो नहीं हो सकता। और डी की जो स्पेस है, डी कहाँ पे बैठेगा? अच्छा, एच के सामने जो है ना उसको जी को फॉलो करना, तो जी यहाँ पे आएगा, जी एडिटर नहीं होगा, ओके, ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया। और डी जो है ना वो प्रोफेसर है, तो एक ही स्पेस बचा हुआ इसके लिए, डी जो है ना वो प्रोफेसर है। और जो यहाँ पे आई के बाद सी आएगा, सी के बाद ई आएगा, क्योंकि सी इमीडिएट लेफ्ट में है ई की, और आई का इमीडिएट राइट में है, तो आई सी का स्पेस एक ही है, ये भी होगा सिर्फ, और तो कोई जगह नहीं है खाली। और कौन सा पर्सन बचा हुआ है? सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई एफ नहीं, सी डी ई एफ, तो ये भी है। और एक बचा हुआ है ऑफिसर, ऑफिसर जी कौन सा? जी है ऑफिसर। सिंपल सा पजल है, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट है। वो अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पे? एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग सिट्स एक्सट्रीम एंड लेफ्ट हैंड ऑफ द रो? क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी इज क्या है? एग्जीक्यूटिव और एफ, दोनों में से एक आंसर है एफ, द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स इज ट्रू? कॉम्बिनेशन इज ट्रू, आई एडिटर, एफ क्लर्क, ई क्लर्क, जी ऑफिसर, जी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एडिटर एंड सीए इंटरचेंज देयर पोजीशन, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द सेकंड टू द राइट ऑफ डायरेक्टर? एडिटर ही आएगा और एच आएगा, दोनों में से एच, इसमें क्या है ये तो नहीं है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो? क्लर्क, ऑफिसर और जी एन आई, क्लर्क एंड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर टेबल, ओके, पहले सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। एट परसेंट बोला है, जे सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, L sits third to the right of P. P who is not an immediate neighbor of N. N who is not an immediate neighbor of J. N जो है ना वो J के साथ नहीं बैठा है। Q sits third to the right of K. K who sits second to the right of P. Neither J and M opposite of N, N की opposite में J और M नहीं बैठे, ठीक है, ये है कंडीशन। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, P से स्टार्ट करते हैं, P के साथ में बहुत सारा कंडीशन है, तो P से अगर स्टार्ट करते हैं तो P के सेकंड थर्ड टू द राइट में L बैठा है, ठीक है, फिर सेकंड टू द राइट में K बैठा है, ऑल आर फेसिंग सेंटर जो बोला है ना इसमें। ठीक है, फिर क्या बोला इसमें, K की जो है ना, K की थर्ड टू द राइट में Q आएगा, तो Q यहाँ पे आएगा। ये भी कंडीशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब M की सेकंड टू द लेफ्ट में J आएगा, J कहाँ पे बैठेगा, J जो है ना वो N के साथ नहीं बैठेगा, N के साथ भी नहीं बैठेगा और NP के साथ नहीं बैठेगा, तो कहां पे आ सकता है, जे जो है ना वो एन के ऑपोजिट पे भी नहीं बैठेगा, एम, ठीक है, तो जे कहां पे आ सकता है बताइए, पी के साथ तो एन नहीं आएगा, तो एन कहां पे आ सकते हैं, एन यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं, एन के साथ जे नहीं आएगा तो जे कहां पे आ सकते, जे यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, जे जो है ना वो एम की इमीडिएट लेफ्ट सेकेंड टू द लेफ्ट में है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n के साथ j नहीं आएगा, तो j तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन तो सेकंड टू द m की सेकंड टू द लेफ्ट में बोला है, j और कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, बट यहाँ पे तो m नहीं बैठ पाएगा ना, क्योंकि m की सेकंड टू द राइट में हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में देखें तो j कहाँ पे आएगा, m की सेकंड टू द लेफ्ट में j आएगा, तो एम अगर यहाँ पे आया तो जे यहाँ पे आएगा, ठीक है, और कौन सा बचा हुआ, पी क्यू आर, आर यहाँ पे आएगा, एन के साथ पी नहीं बैठेगा, ठीक है, एन के साथ जे नहीं बैठेगा, वो भी ठीक है, जे और एम के ऑपोजिट में एन नहीं आएगा, जे और एम के ऑपोजिट में एन नहीं आएगा, वो भी ठीक है। तो ये कंडीशन। क्वेश्चन में आते हैं, वो among the following seats an immediate neighbor of J and M, J और M के immediate neighbor कौन है, P, आंसर क्या आएगा, P। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो among the following are immediate neighbor of N, Q and L, Q and L। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो among the following seats third to the left of M, J, इसमें क्या आएगा, J, M की थर्ड टू द लेफ्ट में बोला है ना, हाँ, J आएगा, J तो यहाँ पे नहीं है, तो नाम ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन, सेकंड पर्सन। अच्छा, Q की सेकंड टू द राइट में L आएगा, Q की सेकंड टू द राइट में L आएगा, नहीं आया, J की सेकंड टू द राइट में M है कि नहीं, K की सेकंड टू द राइट में P, वो भी नहीं, और N की सेकंड टू द राइट में R, नहीं, N की सेकंड टू द राइट में R, यस, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स ऑपोजिट ऑफ P, N, ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा आज, ये वाला पजल होमवर्क रहेगा, ये करके हमको कमेंट्स में बोलना है इसका आंसर। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, इसको आपको कमेंट्स में बताना है क्या आंसर है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये अगर 1 है, सेकंड क्वेश्चन ये 2, क्वेश्चन मार्क बता के आंसर दीजिएगा। ओके, ये 3 है, ये 4, ये 5, आपको आंसर देना है। ठीक है, और कमेंट में अगर आपको यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आंसर लिख सकते हैं कि बीएससी इंस्टीट्यूट अगरतला, उसमें भी आप आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का डाउट है किसी पे और किसी का क्वेश्चन है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट में भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर से बोल देता हूँ कि एसबीआई के लिए स्पेशल पीओ एंड क्लर्क के लिए बेसिक से एडवांस तक क्लास करेंगे हम, वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में होगा 4 PM। और जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है वो 4 PM ही रहेगा, लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में रहेगा। ठीक है, तो किसी का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलेंगे कल। ओके, टाटा।